बेनजर अंदर की खबर। नवाबशाह में बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। यूसी 8 वार्ड नंबर 3 में हथियार बंदों का हमला, बैलेट पेपर और दीगर सामान छीन कर फरार और आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान भी चीख छीन लिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों का एहतजाज और दूसरी जानिब लोग अपने पसंद के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट सिंध पुलिस की निगरानी में किए जा रहे हैं, जबकि किसी नाखुशगवार वाक़े को निपटाने के लिए रेंजर्स और आर्मी के दस्तों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। मज़ीद तफ़सीलात देख लेते हैं नज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन सरदारी से। नवाबशाह में भी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। बहुत सारे वोटर्स जो है वो अपनी सियासी पार्टियों को अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी नवाबशाह तालका नवाबशाह के यूसी वली मुहम्मद की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गांव अंदवर्ड पीर बख्श जजो और सुल्तान अहमद जरदारी में जो है पोलिंग जारी है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट हासिल है और पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकती है। लेकिन जो यूसी वली मुहम्मद की पोलिंग स्टेशन फतेहमंद वर्ड है, उसमें पीपल्स पार्टी को हो सकता है कि ज़्यादा मुश्किलें पेश हों। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल से ये वाजह है कि यूसी वली मुहम्मद में पीपल्स पार्टी के जितने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि ओल्ड नवाबशाह में 3 पोलिंग स्टेशन पर हमले हुए हैं, जहां पे हथियारबंदों ने हमला किया और बेल्ट पेपर लेकर फरार हो गए हैं। और बहुत सारी ये भी शिकायतें हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जिनको इंतखाबी निशान जारी किए गए थे, जिन पे उन्होंने वर्क किया था, वो जो बेल्ट पेपर में चेंज कर दिए गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले राशिद जान की बेल्ट पेपर में जिनको ताला निशान दिया गया है, पहले उनको इंतखाबी निशान कोई और जारी किया गया था, उन्होंने धरना दिया है नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने। और बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं और बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें ये मायूसी छाई हुई है कि उनके इंतखाबी निशान जो है चेंज कर दिए गए हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि नवाबशाह के बहुत सारी ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। सरदारी तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 TV।